हाय दोस्तों, कैसे हो? माय नेम इज लखन और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी गूगल की सेटिंग बताने जा रहा हूं। जिस भाई के पास भी स्मार्टफोन है वो इसको प्लीज एक बार देखें। ये क्यों जरूरी है? यदि आपने कुछ सर्च किया है, कुछ देखा है नेट पे, तो वो सारी हिस्ट्री कहां से होती है जिसको लोग ट्रेस कर लेते हैं। यदि आप का कोई एक सेटिंग ऐसी है जो ऑन है तो आपका ये पता रहेगा कौन कहां जा रहा है, वो सारी सेटिंग आपकी सेव होती रहेगी। यदि आपका मोबाइल कोई कुछ देर के लिए उधार ले लेता है, उसने क्या चीज सर्च की जो आप सर्च करना नहीं चाहते और वो आपके हिस्ट्री में पड़ी रहेगी, तो उसको भी देख सकते हो। आप किसने क्या सर्च किया, क्या डिलीट करना है, वो अपने आप डिलीट होना चाहिए या सेव होता है, कहां सेव होता है, वो सारी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। और ये सेटिंग आपको करना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइज, हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और ब्राउजर में जाकर लिखते हैं google.co.in। ये ऊपर ही आ चुका है, इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये हमारा गूगल का इंटरफेस खुल के आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तीन जो लाइन है गूगल की, ये तीन लाइन पर आप क्लिक करोगे तो आपकी सबसे पहले तो देख सकते हो आपने कितनी मेलों से कनेक्ट कर रखा है। ये सारी मेल आपके सामने आ जाएंगी, जितनी भी मेल है। तो जिस मेल की हिस्ट्री आपको सर्च करनी है उसी को क्लिक कर देना है। अब मैं इस पर जाता हूँ तीन लाइन पे और सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग को हम देख लेते हैं। हमको आज डिलीट के बारे में बात करना है, अब हिस्ट्री के बारे में। तो सर्च हिस्ट्री को मैनेज करते हैं इस जगह से जाके। सर्च हिस्ट्री पर जाते हैं और इधर आ जाइए। जो मेल हमने सेलेक्ट करी थी उसी मेल की हिस्ट्री आपको दिखाई देगी यहाँ पर डे की, किस दिन आपने क्या सर्च किया, तब से आपने ये है मोबाइल खरीदा है, तब से आपकी मेल। और दोस्तों, एक सबसे अच्छी बात, आपकी मेल से और कहीं भी कोई कुछ सर्च कर रहा होगा वो भी यहाँ आपको दिखेगा। आपकी मेल से कहीं भी कुछ सर्च किया जा रहा होगा। तो अब हम ये चलते हैं उस पर थ्री डॉट्स पे। ये जो तीन लाइन है, जो आपके लोगो है, जो मेल के ऊपर आपका जो लोगो है, जैसे मेरा चैनल का लोगो है, इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ जाते हैं हम डिलीट एक्टिविटी बाय। जो डिलीट एक्टिविटी बाय पे हम जाते हैं और फिर हमारी एक्टिविटी देखो, आपको पिछले एक घंटे की हिस्ट्री डिलीट करनी है, लास्ट डे की हिस्ट्री डिलीट करनी है, या ऑलवेज पूरी हमेशा डिलीट करनी है, इस पर जाके देते हैं ऑप्शन क्या है। ये देखो, आपको हर चीज़ आपकी बुक सर्च कर रहे हो वो सेव हो रही है, आपकी इमेज सेव हो रही है, आपकी न्यूज़ सेव हो रही है, आपकी सर्च सारी सारी और वीडियो जो भी आप सर्च कर रहे हो सारे इसमें सेव हो रहे हैं। ये चीज़ आपको दिख जाएगी इसमें। इसके बाद में हम फिर बैक में चलते हैं, फिर देखते हैं इधर, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक ऑप्शन ऐसा आया है जिस पे आप कब से कब तक की हिस्ट्री, यानी आपको लगता है कि पिछले दो महीने पहले कुछ अच्छा नहीं ढूंढा था, तो वो जाके वहाँ से डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में ये देखो, अपने आप डिलीट हो जाना चाहिए इस ऑप्शन है। दूसरा, डिलीट कब एक्टिविटी, जो कितने महीने बाद, यानी 18 महीने की या 3 महीने की, इस तरीके का ऑप्शन है। या डोंट ऑटो डिलीट, ऑटो डिलीट का ऑप्शन भी आप चुन सकते हो, लेकिन इनको चुनने के बाद में, चेंज करने के बाद में नीचे जाके सेव कर देना है आपको। नीचे जाके बैक चले गए, वापस डिलीट एक्टिविटी पे आते हैं और अब जाके देखते हैं यहाँ से। अगर एक किसी दिन का आपको डिलीट करना है तो नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो हर दिन का दिखाएगा। जिस दिन पर डिलीट करना है उस दिन के सामने जाके डिलीट का जो लोगो बना हुआ है उस पर आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मेरा आज का था 16 अगस्त का है, उसके बाद में 15 अगस्त का है, जिस दिन का मेरे को डिलीट करना है उसको जाके वहाँ से डिलीट कर सकते हो। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा हमारी मेल से और भी कहीं कुछ सर्च किया जा रहा है का, ये सारी की सारी चीज़ आपको पता लग जाएगी। और आपके बच्चों के पास, या आपके, अगर आप बड़े हो तो बच्चों के पास, और आप छोटे हो तो आपके मम्मी पापा के पास भी कोई मोबाइल है और वो एक ही आईडी से कनेक्ट है, तो आप एक दूसरे का पता लगा सकते हो कि हमारे बच्चे और या हमारे मम्मी डैडी किस तरीके की चीज़ें सर्च करते हैं। ये सारा पता आपको इस गूगल में जाकर, सेटिंग पे जाकर लग सकता है। और कोई चीज़ अगर डिलीट करनी है आपको, लोकेशन ऑन करनी है, ऑफ करनी है, ये सारी वीडियो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज तो मैं सिर्फ सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए इस वीडियो को लेके आया था। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।